क्योंकि ये फॉल्ट आता है मेन आईसी की खराबी की वजह से या सर्किट में शॉर्टेज की वजह से, इसकी नेगेटिव जो लाइन होती है वो वर्किंग नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको एक फॉल्ट बताने लगा हूँ बड़ा ज़बरदस्त। आपके पास किसी भी किस्म का चाइना या नोकिया का मोबाइल आ जाए जिनमें इस तरह का माइक लगा होता है, पॉइंट्स पर रबते भी बिल्कुल ठीक हों, ये जिस तरह मेरे पास एक मोबाइल है प्लस जो इसका पॉइंट है वो तकरीबन 20% मूव हुआ है और जो नेगेटिव था वो तकरीबन 30% मूव हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस मोबाइल के माइक से आवाज़ नहीं जा रही। सर्किट आप देख सकते हैं, इसका सर्किट बिल्कुल ठीक है, किसी भी किस्म का कोई कंपोनेंट उतरा नहीं हुआ, ना ही कोई शॉर्ट है, और मेन आईसी भी बिल्कुल फ्रेश है, उसके ऊपर बिल्कुल कवर अभी तक लगा हुआ है, यानी कि उसको भी रिसोल्व या हीट नहीं किया गया। पॉइंट्स पर रबते बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद भी माइक से आवाज़ नहीं जा रही। कोई भी आपके पास इस तरह का मोबाइल आ जाए, एक छोटा सा सलूशन है, आपने वो करना है और माइक से आवाज़ यानी शुरू हो जाएगी। जी अब करना क्या है, एक पॉइंट इसका जो प्लस वाला है वो इस्तेमाल करना है और दूसरा जो इन्होंने नेगेटिव बनाया हुआ है ये इस्तेमाल नहीं करना। क्या करना है, बोर्ड की किसी भी जगह से नेगेटिव लाइन यूज़ करनी है। अगर नेगेटिव लाइन दूर हो तो बोर्ड की किसी भी जगह से थोड़ा सा स्क्रैच करने के बाद उस पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट हमने इस्तेमाल करना है। ये देखें जिस तरह मैंने इस एक पॉइंट को तैयार किया है, रेड वायर पॉजिटिव लाइन पर लगा देनी है और जो ब्लैक है वो जो नेगेटिव लाइन हम स्क्रैच करेंगे उसके ऊपर लगा देंगे। ये 100% सलूशन है, क्योंकि ये फॉल्ट आता है मेन आईसी की खराबी की वजह से या सर्किट में शॉर्टेज की वजह से, इसकी नेगेटिव जो लाइन होती है वो वर्किंग नहीं करती।